यहाँ पे कुछ टर्मिनल है, ठीक है, इसका टर्मिनल को आइडेंटिफाई करेंगे। मल्टीमीटर मेथड है, लेकिन हम नॉर्मली टेस्ट लैंप के माध्यम से आज जिस तरह किए थे उसको नाम लिखेंगे, मेंशन करेंगे, फिर टेस्ट करने के बाद RGTH कनेक्शन करेंगे। आगे जब काम करोगे, जो भी मशीन से निकालोगे, तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम प्रोसीड करेंगे। और बाकी में टच करो ऊपर बटन से ऊपर। उसके बाद देखिए, ये जो मशीन है वो बेसिकली एक DC शॉन्ट मोटर या फिर जनरेटर। पहला प्रैक्टिकल था तो आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट ऑफ DC मशीन। एक DC मोटर या फिर जो DC जनरेटर दिया गया था, वहाँ पे उसका आउटर पार्ट और इंटरनल पार्ट, वो सब पार्ट लास्ट क्लास में जो प्रैक्टिकल तुम किए थे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टर्मिनल है, ठीक है, इसका टर्मिनल को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके साथ और एक तो AC मशीन भी है, उसका टर्मिनल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी जो तुम पकड़े हो सीरीज टेस्ट लैंप, इसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई करेंगे। और भी मेथड है, जैसे कि मल्टीमीटर मेथड है, लेकिन हम नॉर्मली टेस्ट लैंप के माध्यम से आज ये प्रैक्टिकल करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ MG सेट, जहाँ पे M में होगा मोटर, G में होगा जनरेटर, और वो भी टेस्ट लैब सीरीज टेस्ट लैब के माध्यम से, वो आज हम इस प्रैक्टिकल में सीखेंगे। यहाँ पे जो टर्मिनल है उसे पहले से कनेक्शन किया गया है, हम क्या करेंगे उससे पहले डिसमेंटल करेंगे, जिस तरह किए थे उसको नाम लिखेंगे, मेंशन करेंगे, फिर टेस्ट करने के बाद RGTH कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अभी उससे पहले हमें निकालना है, समझ गए, फिर जिस तरह है फिर उसी तरह से फिर उसे असेंबली करना है, समझ गए। जहाँ से जो निकालोगे उसे मार्क कर लो, कौन सा वायर को कहाँ से निकाले थे, उसके बाद मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्यों वहाँ से वो वायर को कनेक्शन किया गया था, उसका काम क्या था, ठीक है। ये जो तुम निकाल रहे हो, जिस आगे जब काम करोगे, जो भी मशीन से निकालोगे, तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी 4 टर्मिनल है इसलिए हम इजीली कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब खुद से करोगे वहां पे तुम्हें ड्राइंग करना पड़ेगा। जब आएगा कंपाउंड मोटर से जुड़े प्रैक्टिकल, वहां पे हमें ड्राइंग करके ही उससे पहले डिसमेंटल करेंगे। अभी तुम यहाँ पे ड्राइंग नहीं किए हो, डायरेक्ट निकाल दे, क्योंकि तुम्हें पता है कौन सा किसके साथ कनेक्शन था, इजी है। लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तो कैसे करोगे, पहले ड्राइंग बनाओगे ऐसे ऐसे, जैसे हमारा हम जैसे फैन का कर रहे थे ना, कैसे कनेक्शन हुआ है उसके बाद खोल रहे थे, पहले उसे करोगे, टेस्ट करोगे, ड्राइंग करोगे। जो भी प्रैक्टिकल करो पहले तुम्हारा ड्राइंग है कंपलसरी, उसके बाद जाके हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है, हो गया, निकालना हो गया। अच्छा, अभी हम चेक करेंगे कौन सा टर्मिनल किसका है। टेस्ट लैंप ऑन करो, निकालो, अगर टच करोगे तो वो ग्लो करेगा, ठीक है ना। टच निकालो, उसे हटाओ, फिर टच करो, टच करो, आपस में टच करो पहले दोनों को, हाँ दोनों को यहाँ पे टच करो पहले। अब एक टर्मिनल फिक्स रहेगा, ये रहेगा फिक्स, और बाकी में टच करो ऊपर बटन से ऊपर। उसके बाद तो क्या जो तुम डिसमेंटल किए थे ये दोनों आपस में कनेक्शन था, हाँ तो क्यों दिखाया, फिर करो, बाकी में नहीं हो रहा है, नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा था, क्यों, ठीक है। अब दूसरा में फिर करो इसे, हाँ सेकंड में रखो एक टर्मिनल, अब हाँ अब एक काम करो, 1, 3, 4 में टच करो, 1 ग्लो हो रहा है, 3, 4 ग्लो नहीं हो रहा है, नहीं। अब एक काम करो, उसके बाद एक टर्मिनल को 3 में फिक्स रखो, हाँ फिर आ जाओ, 1, 2, 4 इसका तो दिखाना चाहिए था, ये पेयर क्यों नहीं दिखा रहा है, हाँ टच करो, आपस में टच करो उसे, हाँ वहाँ पे दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा रहा है, शायद कार्बन हो गया होगा। हमारा काम अभी क्या है, हम पहले टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन सा वाइंडिंग का ये टर्मिनल पेयर होगा,
उसके बाद हम आगे कनेक्शन के बारे में जानेंगे। हमारा प्रैक्टिकल क्या है अभी, एम क्या था, टू आइडेंटिफाई टर्मिनल्स ऑफ एम जी सेट, मोटर होगा एसी मशीन का, एसी मशीन का बाद में करेंगे, लेकिन एमजी सेट में नॉर्मल जब हम कनेक्शन करेंगे एमजी सेट का टर्मिनल को पहले आइडेंटिफाई करेंगे ना। ये क्यों नहीं दिखा रहा है अभी, देखो थ्री और फोर लगाओ, थ्री फोर, फोर होना चाहिए था, नहीं दिखा रहा है, ठीक है बंद करो अभी। यहाँ पे जब वो टेस्ट कर रहे थे सीरीज टेस्ट लैंप के माध्यम से, दो ठो टर्मिनल में सीरीज टेस्ट लैंप ग्लो किया था और बाकी दो ठो में ग्लो नहीं हो रहा था। देखिए ये जो मशीन है वो बेसिकली एक डीसी शॉन्ट मोटर या फिर जनरेटर, ये डीसी मशीन है, डीसी शॉन्ट मशीन। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, एक होगा आर्मेचर के लिए दो टर्मिनल, दूसरा है शॉन्ट फील्ड वाइंडिंग के लिए दो टर्मिनल। जो आर्मेचर है उसका रेजिस्टेंस कम है इसलिए जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा था, लेकिन जो शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ड्यू टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड थिन वायर, थिन कॉपर और थिन कॉपर वायर के माध्यम से वो बनाया गया था, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा लाइटली स्पार्क होगा। अगर इसमें हम टेस्ट लैंप के माध्यम से नहीं जान पाते हैं उस समय हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीमीटर का, एनालॉग या फिर डिजिटल, जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। तो ये जो आप देख रहे थे ग्लो नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए बल्ब जो टेस्ट लैंप है वो ग्लो नहीं हो रहा था। तो हम फाइनली जो यहाँ पे अभी चार टू टर्मिनल है, हम जब आइडेंटिफाई किए ये एक टू पेयर था, इसका मतलब ये और एक टू पेयर होगा, ठीक है। तो ये हो गया एमजी सेट में जनरेटर का टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हम जो मोटर है एसी मोटर उसका टर्मिनल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम ये जो एमजी सेट है, ये जो कंप्लीट एमजी सेट है, उसका पहले हम जनरेटर साइड में जो टर्मिनल है उसे आइडेंटिफाई कर देते। बेसिकली यहाँ पे दो ठो था टर्मिनल, एक तो था आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरा है शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग। अब अगर आ जाते हैं थ्री फेज मोटर के लिए, जो इसके साथ कनेक्शन है कपलिंग होके है, यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन ठो टर्मिनल है, तीन ठो फेज के लिए, रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज। तो ये इसमें कुछ अभी आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे छः ठो टर्मिनल होता तो हमने तुम्हें समझाता वो सेम टेस्ट लैंप मेथड के माध्यम से तुम इसे आइडेंटिफाई करते, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था, हम पहले टर्मिनल को आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम इसे आपस में कैसे कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन जो अभी तुम देख रहे हो, ये कनेक्शन ऐसे क्यों है उसके बारे में जानेंगे और मशीन को रन करेंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिकली कनेक्शन करेंगे, जो वायर कनेक्शन उसे करेंगे और मशीन को स्टार्ट करेंगे। ये होगा हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल। उसका क्या होगा एम मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, कल बताऊँगा, और आज इसका जो ड्राइंग है मैं तुम्हें दे दूँगा जो तुम कम्प्लीट कर पाओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आज के लिए होगी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डीसी मशीन से जुड़े प्रैक्टिकल, और नॉर्मली जो मोटर जनरेटर सेट है उससे जुड़े प्रैक्टिकल ग्रेजुअली हम बताएंगे आपको, और इससे जुड़े कैसे पैनल बोर्ड का स्टडी होता है, कैसे कनेक्शन करके हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, हम आने वाले प्रैक्टिकल में डिस्कशन करेंगे।